हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबाइड। रीजनिंग में पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है? तो इसमें कुछ बातें समझना है जो समझते हैं। जैसे देखिए, घन और घनाभ, तो रीजनिंग का पार्ट है। मैथ वाला क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ा चुका हूँ, ये रीजनिंग का पार्ट है। और ध्यान दीजिएगा बातों पर। यह घन मान लेते हैं कि घन है, ठीक है? तो घन है तो इसमें कितनी, ये जो भुजा है, ये वाला भुजा, वो कितनी होंगी? ये सतह, ये जो सतह है वो कितनी होंगी? ये जो कोण है वह कितनी होंगी? ठीक है, तो समझिएगा। सतह की बात करते हैं पहले। सतह तो एक ही सतह हुआ, इसी के जैसा एक पीछे होगा, तो दो सतह हो गया इधर, इधर इधर दो सतह, फिर ऊपर है एक सतह तो तीन, इसके जस्ट नीचे एगो होगा चार, इधर एक है पांच, इसके पीछे इधर होगा छः। तो सतह कितने हैं? छः। इसी को कहते हैं फलक। फलक क्या कहते हैं? फलक। तो ये कितने होते हैं? सतह या फलक होते हैं छह। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि सतह या फलक कितने होते हैं? छह। कैसे? एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक पीछे, एक इधर, एक इधर। तो सतह फलक कितना हुआ? छह। किनारा, सॉरी कोण, पहले ले लेते हैं कोण या शीर्ष फलक, कोण वाला ई वाला भाग। तो ये कितना होता है? चार गो ऊपर हुआ, एक पीछे होगा जो ई वाला सिरा यहां पे आके मिलेगा, ऐसे करके यहां पर होगा ना एक। तो एक दो तीन चार कोण, और चार कोण नीचे, तो चार चार कोण होता है आठ गो। कोण कितना होता है? आठ। अब बात है किनारा की। किनारा तो किनारा किसको कहते हैं? ई वाला भाग जो है, ई वही किनारा हुआ, मतलब भुजा। तो ये किनारा कितना होगा? तो चार यहाँ है, पाँच छः सात हुआ ना। देखिए तो किनारा कितना होता है? तो किनारा होता है 12 गो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 9 10 11 12। कितना किनारा हुआ? 12। इस बात को याद रखना है। सतह या फलक कितना? 6। कोण कितना? 8। किनारा कितना? 12। ठीक है, याद रहेगा। अब बढ़ते प्रश्न की ओर। तू तो इतना ये जान खूबसूरत हो, कोई से किन ले या छिन ले मूरत हो, चांद से भी सुनर तू हो 100 गुना। तितली आ रही है पढ़ने, पैसा लग जाएगा तुमको, पैसा लगेगा भाई। देखिए समझते हैं पहले एक छोटा सा उदाहरण लेके, कि यदि कहे कि 3 सेमी भुजा वाला एक घन है। कितना सेमी भुजा वाला? 3 सेमी भुजा वाला, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तीन सेमी भुजा वाला एक घन है, ठीक है? इसको पहले चारों माने सब तरफ से, सब छह सतह को सभी तरफ से इसको लाल रंग से रंग दिया गया, पूरा भाग लाल रंग से रंग दिया गया, ठीक है? 3 सेमी भुजा वाला है, 3 सेमी भुजा वाला है, इसको सभी तरफ से लाल रंग से रंग के और इसको एक एक सेमी में काट दिए। तो एक एक सेमी में काटेंगे तो देखिए, एक बार चीरा लगाएंगे इसे, इस तरह से इसे काटेंगे ना, ऐसे 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 काटते काटते नीचे तक ले आए, ये दूसरा बेर लगाए,
ऐसे ऐसे काटेंगे ना, तो दूसरा बेर लगाएं, तो तीन सेमी क्या था, एक एक सेमी में काट लिए। फिर अब कितना बार चीरा लगाए हैं, इसे दो बेर। अब इस ई वाला चीरा लगाते ऐसे वाला, तो ऐसे चीरा लगाए, तो इसे काटते 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 नीचे तक ले, तो तीन बेर हो गया, ये एक बार ऐसे लगाए तो चार बेर हो गया। तो अभी तक तो चार बेर चीरा लगाए हैं, अब इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे काट दिए, तो अब इस तरह से काटेंगे पांच बार, छह बार। तीन सेमी की था, का था, तीन सेमी का था, तो एक एक सेमी में बट गया। तो दो बार ऐसे चीरा लगाए थे, दो बार ऐसे लगाए, दो बार ऐसे लगाए, तो कितना बार चीरा लगाए, छह बार। तो पूछेगा आपको कि कितना बार इसको काटे कि एक एक सेमी के छोटा छोटा घन में यह बट जाए, तो छह बार है ना, कि कितना बार इसको काटा जाएगा, तो छह बार। एक बार ऐसे काटे, एक बार ऐसे काटे, एक बार ऐसे काटे, तो छह बार ही काटे है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। अच्छा देखिए, ई जो है यहाँ समझिएगा, ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग दिख रहा है ना, ई वाला जो भाग है वो एक सेमी का एक घन है, फिर ई एक एक सेमी का एक घन होगा, एगो घन ई होगा, एगो घन ई होगा, एगो घन ई होगा, एगो घन ई, ई घन, ई घन, ई घन। तो इससे ऊपर कितना घन है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो इससे ऊपर नौ, फिर ई वाला लाइन में नौ गो होगा, इस सब के नीचे का एगो घन होगा, तो ई वाला लाइन, ई वाला जो है, ई वाला भाग, ई वाला भाग में भी नौ गो होगा, तो नौ गो इससे ऊपर, ई वाला में नौ गो, और फिर नीचे नौ गो, तो नौतिया सत्ताईस। तो कुल कितने घन होंगे, कितने घन होंगे, तो कितना हो जाएगा, सत्ताईस। ध्यान में रहेगा, कहेगा आपको प्रश्न इस तरह से कहेगा कि तीन सेमी का एक घन है और उसे सभी तरफ से लाल रंग से रंग दिया गया और उसे एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, तो कितना बार उसको कटिंग करेंगे, कितने बार कटिंग करेंगे, तो छह बार बतला दिए हैं। कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो इससे ऊपर नौ गो, ई वाला लाइन में नौ गो, इससे नीचे नौ गो, तो नौ तीस सत्ताईस गो हो गया। दूसरा प्रश्न पूछेगा, ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीन सतह रंगे होंगे, ठीक है, तीन सतह रंगल होगा, ऐसे कितने घन है जिनका तीन सतह रंगा हुआ है, ठीक। तो अब देखिए तीन सतह रंगल वाला, तो ई वाला जो घन है इसका तो दो सतह रंगल है, एगो ई वाला, ई पूरा इसे ई वाला जो है, ई वाला देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये जो एगो घन है इधर, ई वाला एगो घन है, तो तीन सतह रंगल वाला किधर आपको दिख रहा है, यह ध्यान देना है। रुक जाइए, क्लोज और कर देते हैं इसको, अब दिख रहा है ठीक से। देखिए ई वाला जो घन है इसी का ना तीन सतह रंगल है, ये तो पूरा पहले से रंग दिए थे उसके बाद काटे हैं, तो ऐसे करके इसको काटे तो ई वाला जो है एक सतह दो सतह तीन सतह रंगल होगा। और ऐसे भी याद रखना है कि कोना वाला जो होता है, कोना वाला शीर्ष वाला, वही तीन सतह रंगल वाला होता है। कोना कै गो होता है, आठ गो, कोन आठ गो होता है ना, बता दिए ना कि कोन होता है आठ गो, किनारा बारह गो, सतह या फलक उसी को कहते हैं छः गो। तो तीन सतह रंगल वाला हमेशा कोना वाला होगा, ठीक है। तो कोना कै गो होता है, आठ गो, तो तीन सतह रंगल वाला कै गो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आठ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आठ, इस बात का ध्यान रखना है। अब रहे, अब पूछेगा कि दो सतरंगा,
दो सतह रंगा, दो सतरंगा कितने घन है? ठीक, अब दो सतरंग वाला कौन दिख रहा है आपको? ई वाला, ई जो भाग है सो, या फिर ई वाला होगा। तो देख रहे कि एगो किनारा पर एगो घन है जो दो सतरंगल है। ई जो है ये तो कोना वाला है, ये तो शीर्ष वाला है ना, तो इधर इधर रंगल होगा, इधरो रंगल होगा, तो ये तो तीन सतरंगल वाला है। तो दो सतरंगल वाला कहाँ है? तो ई जो है ई वाला भाग वही तो है दो सतरंगल वाला। तो एक किनारा पर एगो घन है जो दो सतरंगल है। किनारा कै गो होता है? बारह गो। तो बारह किनारा पर बारह गो होगा जो दो सतरंगल है। देखिए एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, जिसका ये ऊपर से पाट रंगल है, इधर से पीछे से एक पाट रंगल रहेगा। एक यहाँ है जो इधर से रंगल होगा, इधर से रंगल होगा। एक यहाँ है जो इधर से रंगल है। तो इससे ऊपर चार किनारा पर चार गो है। अब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इसके पीछे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके नीचे होगा। ठीक है, तो एक किनारा पर उतना काउंट करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो घन है वही तो दो सतरंगल है। तो एक किनारा पर एक गो, तो बारह, बारह किनारा पर बारह गो। चौथा प्रश्न, एक सतह रंगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न होगा, केवल एक सतरंगा हुआ कितने घन होंगे, केवल दो सतरंगल हुआ कितने घन होंगे। ठीक है, तो स्पेस कम है, क्लोज से आपको दिखला रहा है, इसी कारण पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। तो ऐसे प्रश्न होगा कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतरंगल है। तो एक सतरंगल वाला आपको कहाँ दिख रहा है? ई जो घन है कोना वाला, वो तो दो सतरंगल है। आ ई जो है किनारा वाला, उस सॉरी ई जो कोना वाला उसके तो तीन सतरंगल है। आ ई जो किनारा वाला है उसका दो सतरंगल है। तो एक सतरंगल वाला कहाँ है? ई जो भाग है ई, वही तो एक सतरंगल है। यहाँ पर ई जो है उसी का तो एक सतरंगल है ना जी। तो ई फलक कहते इसको, फलक या सतह। तो ई वाला पूरा पाग फलक या सतह कहलाता है। तो एक सतह पर एक वो घन है जो ई वाला एक सतरंगल है। अब फलक का वो होता है छ गो, तो छ फलक पर छ गो। तो ऐसे कितने घन है जिनका एक सतरंगल है? तो छ गो। ठीक है, इस देखिए ई वाला जो है, जब इसको काट के इधर हटाएंगे, इसको काट के उधर हटाएंगे, इसको काट के इधर हटाएंगे, इसको काट के इधर हटाएंगे, तो ई वाला जो पार्ट होगा वही तो एक सतरंगल है। हाँ, एक सतह पर एगो फलक पर एगो, तो छ गो फलक होता है। तो छ फलक पर छ गो, जिसे देख लीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इसके पीछे होगा, इसके पीछे एक नीचे से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है कि बिना रंगा, बिना रंगा हुआ, बिना रंगा हुआ घन कितना है? अब देखिएगा, बिना रंगल के लिए आपको पहले दिखला देते हैं कि वह होता कहाँ है। इसके नीचे, इसके नीचे आ इसके पीछे, आ इसके पीछे जो होगा, इसके नीचे जस्ट बीच में, वह तो बिना रंगल होगा, उसमें तो अंदर रंग नहीं पहुंचा होगा। तो समझने की बात है कि इसके नीचे वाला जो होगा, इसके नीचे वाला, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला जो बिना रंगल होगा, तो उसको निकालेंगे कैसे? कभी कभी समस्या आ जाती है। तो आप क्या कीजिए कि देखिए कि ऊपर वाला पर कितना ऐसे घन है जो एक सतरंगल है। तो एगो घन है, आ ई रास्ता देखना है, बीच वाला रास्ता, ई किनारा है ना, तो किनारा वाला रास्ता छोड़ देना है, बीच में रास्ता देखना है कि कै गो है। तो बीच में रास्ता ई रास्ता है ना, तो बीच में रास्ता एगो है। तो एक सतरंगल वाला को रास्ता के संख्या से गुणा कर देंगे, उतना ही घन होगा जो एक बिना रंगल होगा। एक सतरंगल वाला, तो एक सतरंगल वाला एगो, एक फलक पर, एक फलक पर, छह फलक पर नहीं, तो एक सतरंगल वाला छह गो है, लेकिन एक फलक पर देखना है कि एक सतरंगल वाला ये पर कै गो है ऊपर, तो एगो है। ये रास्ता कै गो है बीच में, तो एगो, तो एक गुने एक था एगो ऐसा घन होगा जो बिना रंगल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मिटा दे इसको।
अभी नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न लेके चल रहे हैं, आप इसको पहले सीख लीजिए, उसके बाद फिर बतलाएंगे आगे, ठीक है। देखिए अब है, अब कहता कि चार सेमी भुजा वाला घन है, ठीक है, चार सेमी भुजा वाला, चार सेमी भुजा वाला घन है और उसे सभी तरफ से रंग दिया गया और उसे एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, तो कितना बार काटेंगे, तो कितना बार उसमें चीरा लगेगा। तो एक बार काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, ये दूसरा बार ऐसे काटेंगे, तीसरा बार ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो तीन बार ऐसे चीरा लगे। अब चौथा बार ऐसे काटेंगे, पांचवा बार ऐसे काटेंगे, छठा बार ऐसे काटेंगे, तभी तक छह बार चीरा लगाए हैं। सातवा बार ऐसे काटेंगे, आठवा बार ऐसे काटेंगे, नौवा ऐसे काटेंगे, तो एक एक सेमी के छोटा छोटा टुकड़ा करने के लिए इसको कितने बार चीरा लगाना पड़ा, तो नौ बार, ठीक है, नौ बार चीरा लगाना पड़ा, ऐसे तीन बार, ऐसे तीन बार, ऐसे तीन बार, ठीक है, तो कितना बार चीरा लगाना पड़ा, नौ बार। अच्छा, क्या इसमें इसमें कोण किनारा सतह बदल जाएगा, नहीं, कितना सेमी वाला क्यों नहीं हो, उसका सतह जो है ये फलक वो छवे गो होगा, किनारा बारह गो होगा, कोण आठे होगा, ठीक है। अब अगर अगर पूछ दे आपसे देखिए, यदि अब आपसे पूछ दे प्रश्न कि तीन शतरंगल वाला कितना होगा, तीन शतरंग घन कितना होगा जिसका तीन शतरंगा हुआ है, पहले तो प्रश्न ले लेते हैं एक नंबर, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इससे ऊपर काउंट कीजिए घन आप, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो इससे ऊपर सोलह घन है, तो ई वाला लाइन में फिर सोलह होगा, फिर ई वाला लाइन में सोलह होगा, फिर ई वाला लाइन में सोलह होगा, ठीक, तो सोलह चुका चौंसठ। वैसे भी चार सेमी भुज वाला भुजा था तो चार के क्यू चौंसठ, तीन सेमी भुजा वाला था तो उसमें सत्ताईस आया था ना, तो तीन का क्यू सत्ताईस। अब कह रहा है तीन शतरंग, तो तीन शतरंगल वाला तो यही घन है जिसका तीन शतरंगल होगा, इधर से रंगे होंगे तो ई वाला पाट रंग आ गया होगा, ऊपर से रंगे होंगे तो ई वाला पाट रंग आ गया होगा, इधर से रंगे होंगे तो ई वाला पाट रंग आ गया होगा, तो यही तो कोना वाला घन है जिसका तीन शतरंगल है। अब कोना कै गो होता है, कौन होता है आठ गो, तो ऐसे कितने घन है जिसके तीन शतरंगल है, तो आठ गो। अगला प्रश्न, ऐसे कितने घन हैं जिसके दो शतरंगा है, दो शतरंगा, चलिए दो शतरंगल वाला देखें, ई वाला जो है भाग, ई वाला वही तो दो शतरंगल है, ई वाला जो है वही तो दो शतरंगल है, एक ऊपर से एक इधर से, ई वाला पार्ट रंगे होंगे तो ई रंग आ गया होगा, ऊपर से रंगे होंगे तो ई रंग आ गया होगा, तो यही तो है जिसका दो शतरंगल है, आ ई वाला है ये भी तो है, तो देखिए एक ही या एक ही, तो दो गो, तो एक किनारा पर दो गो है, ठीक, तो इधर वाला किनारा पर भी दो गो है, इधर वाला किनारा पर भी दो गो है, इधर वाला किनारा पर भी दो गो है, तो हर किनारा पर दो दो गो है, तो किनारा कै गो होता है, बारह गो, तो बारह किनारा है, तो एक किनारा पर दो गो, तो बारह किनारा पर बारह दूना चौबीस गो, तो चौबीस ऐसे घन है जिसके दो शतरंगल है, ठीक है। अच्छा, एक सतह रंगा, एक सतह रंगा हुआ कितना घन है, तो एक सतह वाला जो बोले थे यही तो था,
ई वाला ले लेंगे तो इधर से रंगल है तो इधरों से रंगल है, दो सतह हो जाएगा। ई वाला लेंगे तो इधर तीन सतह रंगल है। तो ई जो बीच वाला है वही तो एक सतह रंगल है। तो एक दो तीन चार, तो एगो फलक पर एगो सतह पर चार हुआ। फलक होता है सतह होता है छ गो, तो छ गो फलक पर छ गुने चार छ चौक चौबीस गो। चौबीस गो ऐसे घन है जिसके एक सतह रंगल है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पांचवा, बिना रंगा, बिना रंगा कितने घन है। तो बिना रंगा जो है आपको बोले थे कि एक सतह पर ऊपर गिन लीजिएगा कि एक सतह रंगल वाला कै गो है, केवल ऊपर वाला पार्ट में तो एक दो तीन चार गो है, तो चार गो है ठीक है। और बीच में रास्ता कै गो है, किनारा वाला रास्ता नहीं लेना है कि बीच वाला रास्ता लेना है। तो किनारा वाला एगो ऊपर छोड़ दीजिए, एगो नीचे छोड़ दीजिए, तो बीच में एगो ये रास्ता हो गया एगो ये रास्ता हो गया, तो दो गो रास्ता है तो दो। तो कै गो घन है ऐसे जो बिना रंगल है, आठ गो। ई चारों के पीछे ई चारों के नीचे जो होगा वही तो होगा जो बिना रंगल होगा ठीक है। तो ई वाला लाइन में चार गो होगा, ई वाला लाइन में चार गो होगा, तो चार चार आठ गो होगा। तो बिना रंगल कै गो है, आठ गो। समझ में आ रही है बात ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम दो सतह रंगा है। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम दो सतह रंगा है। तो कम से कम दो सतह माने दो गो से कम सतह रंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन दो गो से ज्यादा सतह रंगल वाला चल सकता है। तो कम से कम दो सतह रंगल मतलब दो गो तो होना ही चाहिए, दो से ज्यादा वाला चलेगा, कम वाला नहीं चलेगा। तो दो सतह रंगल मतलब दो सतह रंगल वाला और तीन सतह रंगल वाला, यही तो होगा कि तीन सतह रंगल वाला को भी इसमें शामिल करना है और दो सतह वाला को भी। प्रश्न को समझिएगा, कम से कम दो सतह, दो सतह से कम नहीं रंगा चलेगा, लेकिन दो सतह से ज़्यादा अगर रंगा हुआ है तो वह चलेगा। तो कम से कम दो सतह मतलब दो सतह वाला भी और प्लस तीन सतह वाला भी। तो दो सतह वाला कै गो है, चौबीस गो। तीन सतह वाला आठ गो, तो आठ चार बारह बत्तीस गो। बत्तीस ऐसे घन होगा जिनका कम से कम दो सतह रंगल होगा। अच्छा, अधिक से अधिक दो सतह, अधिक से अधिक दो सतह रंगा, ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगल होना चाहिए ठीक, उससे ज्यादा नहीं, मतलब तीन सतह वाला छोड़ देना है। दो सतह से रंग ज्यादा रंगल वाला नहीं चाहिए। अधिक से अधिक दो सतह रंगल कितने घन है, तो अधिक से अधिक दो सतह मतलब दो से ज्यादा वाला नहीं चलेगा, कम वाला चलेगा ठीक। तो कम वाला चलेगा तो इसमें कौन कौन आएगा, बिना रंगा प्लस एक सतह रंगा प्लस दो सतह रंगा ठीक है। तो बिना रंगल कै गो है, आठ गो। एक सतह रंगल वाला कै गो है, चौबीस गो। और दो सतह रंगल वाला कै गो है, चौबीस गो। तो चौबीस चौबीस अड़तालीस आठ छप्पन गो। अर्थात देखिए, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते थे, अधिक से अधिक दो सतह मतलब दो से ज्यादा वाला नहीं चलेगा। दो से ज्यादा वाला तो तीन सतह रंगल होता है ना, तो तीन सतह वाला छोड़ देंगे ठीक है। अब देखिए, इसी प्रश्न को ई वाला प्रश्न को और कैसे पूछेगा सो देखिएगा। तीन सतह रंगा तो कहेगा तीन सतह बिना रंगा, एक घन में छ सतह होता है, और छ सतह में अगर तीन सतह रंगल पूछ रहा है तो उसमें तीन सतह बिना रंगल वाला भी तो यही होगा। ई वाला प्रश्न देखिए और कैसे पूछेगा, दो सतह रंगा तो चार सतह बिना रंगा, दो सतह जिसका रंग एक घन में छ सतह होता है, फलक होता है छ गो, तो जिसका दो सतह रंगल है उसका चार सतह बिना रंगल होगा। कहेगा एक सतह रंगा मतलब पांच सतह बिना रंगा हुआ ठीक है,
समझ में आ रही है बात? तो इस सब प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है और दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आई होगी। मिटा दे, एक और उदाहरण लेते हैं 5 सेमी वाला। अभी बेसिक ही चल रहा है, जान लीजिए, मिटा देना। जल्दी छुट्टी लेके आजा, घर बबैल कर गे। जल्दी छुट्टी लेके आजा, घर बबैल कर गेल रे बबुआ मेहरी, तोहर कैले बानी जियल मुश्किल। जल्दी छुट्टी लेके आजा, घर बबैल कर गेल रे बबुआ मेहरी, तोहर कैले बानी जियल मुश्किल। देखिए अभी है 5 सेमी वाला, ठीक है, 5 सेमी वाला घन है। अब कह रहा है कि इसको एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है, तो कितने चीरा लगाना पड़ेगा, कितने बार काटना पड़ेगा इसको? तो देखते हैं कितने बार काटना पड़ेगा। 5 सेमी वाला है, इसको रंग के तब काटा है, तो 5 सेमी वाला है तो 1, 2, 3, 4, 5, एक एक सेमी के 5 भाग में कटेगा। जब चीरा लगाएंगे तो ऐसे ऐसे आरी से काटिएगा तो नीचे तक ना आएगा क्या? तो कितना बार चीरा लगाया अभी तक? 1, 2, 3, 4 बार। फिर जब इसको ऐसे लगाएंगे तो ई एक बार होगा, ई एक बार का उल्टा पुल्टा खींचा रहा है। देखने में नहीं लग रहा है एक एक सेमी का, लेकिन मान लीजिए तो 4 बार ऐसे लगाए, 4 बार ऐसे लगाए, अब 4 बार ऐसे लगाएंगे तो कितना बार चीरा लगाए हैं? चार बार ऐसे लगाएंगे ना तो 12 बार, तो चीरा कितना बार लगा? 12 बार। अब चलिए कहेगा कि कुल घनों की संख्या क्या होगी, तो 5 सेमी है तो 5 का क्यों, या फिर ऐसे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 तो इस लाइन में 25 हुआ, फिर इस लाइन में 25 हुआ, इस लाइन में 25 हुआ, फिर इस लाइन में 25 हुआ, फिर इस लाइन में 25 हुआ, तो 25 पचे 125, तो कुल घनों की संख्या 125। अगर आप पूछ दे कि एक सतरंगा हुआ कितना घन है, तो एक सतह वाला तो ये बीच वाला होता है, यही ना होता है ई वाला पार्ट, तो एक सतरंग वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बीच में है तो 9 गो, तो एक फलक पर 9 गो, फलक माने सतह, फलक कै गो होता है? 6 गो, तो एक फलक पर 9 गो और फलक होता है 6 गो, तो 9×6=54 गो। ठीक है, तो एक सतह रंगल वाला कर कैसे पूछ सकता है कि 5 सतह बिना रंगा हुआ, एक सतह रंगल है मतलब 5 सतह बिना रंगा हुआ पूछेगा। तो इसी प्रश्न को पूछेगा कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 5 सतह बिना रंगल होगा, तो 54 गो। दूसरा देखिए, 2 सतरंगा, तो 2 सतरंगल वाला तो एक किनारा वाला होता है, ई वाला पार्ट, यही तो है जिसका 2 सतरंगल, एगो ऊपर से एगो नीचे से, है ना जी। तो एक किनारा पर 1, 2, 3 गो, एक किनारा पर 3 गो, तो किनारा होता है 12 गो, तो 12 तिया 36 गो ऐसे घन है जिनका 2 सतरंगल है। 3 सतरंगल वाला का एगो होगा, तो हमेशा 8 गो होता है, यही तो कोना वाला है जो 3 सतरंगल होगा, कोना होता है 8 गो, तो हमेशा 8 गो होगा बिना रंगा। बिना रंगा हुआ कै गो है,
अब आप लोग पॉज करके पहले इसको बनाइए बिना रंगल वाला, ठीक है। तो देखिए बिना रंगल वाला तो क्या बोले थे कि एक सतह पर गिन लेना है कि एक 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 सतह रंगल वाला कै गो है। एक फलक पर एक सतह रंगल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गो, तो नौ गो गुने। बीच में रास्ता कै गो है, ये किनारा वाला रास्ता नहीं लेना है, ई वाला रास्ता लेना है। तो एगो रास्ता ये दो गो आई तीन गो, तो बीच में तीन गो है, एगो ई वाला एगो ई वाला एगो ई वाला, तो तीन गो रास्ता है तो गुने तीन। तो 27 ऐसे घन है जो बिना रंगल है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए पांचवा प्रश्न, कम से कम दो शतरंग है। तो कम से कम दो सतह मतलब दूगो से कम नहीं, दूगो से ज्यादा चलेगा, अर्थात दो सतह आ तीन सतह, तो 36 और प्लस 8 44, ठीक है। अच्छा अधिक से अधिक दो सतह, अधिक से अधिक दो सतह रंग, तो अधिक से अधिक दो सतह रंग मतलब दूगो से ज्यादा नहीं, दूगो से कम वाला चलेगा। तो दूगो से कम वाला कौन कौन, तो बिना रंगा दो सतह आ एक सतह, तो बिना रंगा हुआ कै गो 27 गो, आ दो सतह रंगल वाला 36 गो, आ एक सतह रंगल वाला 54 गो, यही ना आएगा। तो जोड़ दीजिए तो 36 54 आ 6 60 आ 30 90 आ 20 110 आ 7 117 गो, यानी तीन सतह वाला केवल घटा देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे कि इधर से ऊपर से नीचे से लाल रंगा है, इधर से या पीछे से हरा से रंगा हुआ है, इधर से इधर से ब्लू नीला से रंगा हुआ है, इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। नमस्कार, भारत माता की जय।